लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया, इसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू इस वक्त हमारे साथ, उनसे जानते हैं। खासतौर पर महिलाओं के लिए 1,00,000 रूपये का बड़ा आकर्षण है, एमएसपी की गारंटी दी, ये जो न्याय या गारंटियां हैं कितनी लागू, कितनी कारगर होंगी? देखिए, पूरी तरह से लागू होगी, इसमें कहीं कोई संदेह की बातें नहीं है। आज देखिए, हमारी जो आज ये घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र नहीं, ये न्याय पत्र है। और राहुल जी जिस तरह से पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, उन्होंने भारत जोड़ो अभियान के तहत पूरे देश के सारे हिस्सों का, सारे प्रदेशों का दौरा किया, सब तरह के लोगों से मिले, किसान से मिले, युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, मजदूरों से मिले, और देखा गया कि उनके जीवन में जिन चीजों की कमी है, जिन गलत नीतियों के कारण आज इन सारे वर्गों के लोगों आज पीड़ित है पिछले 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, उसको लेकर के इस सोच के तहत, एक विचारधारा, एक सोच के तहत ये जो न्याय पत्र जारी किया गया है, और जिसमें पहली हमारी जो सरकार की, जो हमारी पार्टी की जो है कि सरकार बनने के बाद में हम नारी न्याय योजना के अंतर्गत उनके परिवार को आर्थिक रूप से पूरी तरह से सुदृढ़ बनाने के लिए 1,00,000 रूपये की राशि जो है प्रतिवर्ष देंगे। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सोच और बहुत बड़े ये साहस का कार्य है, और कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करेगी। हमारा जो घोषणा पत्र में जो नारी न्याय के लिए जितने भी बिंदुओं को शामिल किया गया है उस पर भी क्रियान्वयन होगा। इसी तरह से युवाओं के लिए भी, जो आज युवा रोजगार की पीड़ा भटक रहे हैं, उसमें भी उनको जो है पर्याप्त रोजगार मिले, युवाओं को उनका न्याय, उनका हक मिले, किसानों के लिए भी। आज हम लोग एमएसपी की बात करते रहते हैं, समर्थन मूल्य की बात करते हैं, सिर्फ समर्थन मूल्य सुनते थे हम लोग कागजों में कि ये फला फसलों का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने घोषणा करी, लेकिन उस पर खरीदी की व्यवस्था नहीं होती थी। आज मनमानी तरीकों से व्यापारी लूटते थे किसानों को, उनको अपने उपज का मूल्य लगाने का हक नहीं होता था। इस पर स्वामीनाथन आयोग ने, जो कमीशन ने जो रिपोर्ट दी कि हमारे खेती किसानी के लिए, मजबूती के लिए, किसानों की मजबूती के लिए क्या क्या चीज लागू होनी चाहिए, बहुत सारे सुधार के उन्होंने बातें कही, और उसको हमारी सरकार ने अब संकल्प लिया है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी न्याय का रूप देंगे, कानून का रूप देंगे, और ये कोई खैरात का रूप नहीं रहेगा। आज जो जिस तरह से जब जब चुनाव आएंगे, अलग अलग पार्टी अपना उसमें खैरात के रूप में लालच देकर जो आज करते हैं, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, एक कानून बन जाएगा। ये कानून बनाने की गारंटी हमारी कांग्रेस पार्टी दे रही है। तो इस तरह से सामाजिक न्याय की बातें हैं, श्रमिक न्याय की बातें हैं, ये विभिन्न जो हैं हमारे पूरे देश की जनता, जितने भी वर्ग के लोग हैं, सबके उत्थान के लिए और एक मजबूत भारत बनाने के लिए इनके माध्यम से यह न्याय पत्र जारी किया गया है, और निश्चित तौर पर देश की जनता इस पर भरोसा करेगी, और देश में कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जनादेश मिलेगा, इस बात का विश्वास है। सबसे बड़ा जो संकट है वो विश्वसनीयता का संकट है। कांग्रेस ये कैसे यकीन दिलाएगी लोगों को कि कांग्रेस की सरकार बन रही है और वो योजनाएं जो है वो धरातल पर क्रियान्वित होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि सरकार तो हमारी बन रही है तो हम अपनी घोषणाओं को पूरे करेंगे, कांग्रेस की घोषणाएं पूरी कैसे होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार से सब लोग उब गए हैं। दोनों चुनाव में 2014-19 में जितने भी वादे किए गए थे, कोई भी वादे पूरे इस सरकार ने नहीं करी, चाहे वो 15,00,000 रूपया देने की बातें हों, काला धन लाने की बातें हों, 2,00,000 युवाओं को रोजगार देने की बातें हों, किसानों की आय दोगुनी करने की बातें हों, सब में फेलवर हो चुके हैं, और उनका पूरी तरह से जनाधार आज समाप्त हो चुका है, और पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। ये तो सिर्फ प्रचार प्रसार में, कागजों में उनकी उपलब्धियां हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। वहीं कांग्रेस के ऊपर आज पुनः भरोसा देश की जनता कर रही है, हमारे गठबंधन, एनडीए गठबंधन जो आज बना है उसके प्रति भरोसा व्यक्त कर रहे हैं, और सारे, चाहे पूर्वी राज्य हों, चाहे उत्तर भारत का इलाके हों, चाहे दक्षिण भारत के इलाका हों, ये सभी तरफ हमारा कांग्रेस का और हमारे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ी हुई
गठबंधन पार्टी के प्रति भरोसा हो रहा है और निश्चित तौर पर इस चुनाव में 2024 के चुनाव में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनेगी। आप लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा भी कर रहे हैं, रायपुर के साथ साथ अन्य लोकसभा सीटों में भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या असेसमेंट है, आप लोग क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तक अधिकतम 2 सीटें जीत पाए थे, तो इस बार क्या स्थिति रहेगी? इस समय मैंने जैसा कि बताया भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है लोगों का और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में बेहतर परिणाम कांग्रेस को मिलेंगे, अधिकतम सीट हम लोग यहां से जीतेंगे। छत्तीसगढ़ में भी अधिकतम सीटें जीतेंगे और बेहतर परिणाम मिलेंगे, इस बात को धनेन्द्र साहू कर रहे हैं। साथ ही साथ भरोसा इस बात का भी है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आज जिन न्याय पत्र की बात कर रहे हैं उसे लागू भी करेंगे। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ गौरव शर्मा, -247 रायपुर। तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने न्याय पत्र जारी कर दिया है और आप सुन रहे थे इस पूरे मामले में पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू, जिनका यह बयान सामने आया है कि महिलाओं को 1 लाख की गारंटी देना साहसिक निर्णय है, किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी सबसे बड़ी राहत होगी, वहीं हर वर्ग के लिए कांग्रेस ने न्याय योजनाओं का भी ऐलान किया है। तो छत्तीसगढ़ में नारी न्याय गारंटी का बड़ा असर है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ की अधिकतम सीटें जीत रही है, इस तरह का वादा भी उन्होंने कर दिया है। तो कांग्रेस का न्याय पत्र जारी हो चुका है, कई बातों का उसमें जिक्र किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वर्क वेल्थ और वेलफेयर यानी 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख, वहीं एमएसपी कानून और जाति जनगणना का वादा कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में किया गया है। 48 पेज का ये घोषणा पत्र है जिसमें दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी यहां पर मौजूद थी, राहुल गांधी, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के तमाम जो नेता थे, दिग्गज थे, वो भी मौजूद थे। तो गरीब परिवार की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए का वादा किया गया है, इसका घोषणा पत्र वर्क वेल्थ और वेलफेयर पर फोकस भी है। तो कांग्रेस राष्ट्रवादी आर्थिक सामाजिक जाति जनगणना करवाएगी, ये 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं जो खास तौर से महत्वपूर्ण है इस घोषणा पत्र में, जिसमें कांग्रेस जातियों, उपजातियों और उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता भी लगाएगी, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन पर खास तौर से फोकस भी रहेगा। तो एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, गरीब, सामान्य वर्ग और आरक्षण पर 50% का कैप भी हटाएगी कांग्रेस। एससी एसटी ओबीसी और आरक्षित सभी रिक्त पदों को 1 साल के भीतर भी। न्याय की बात इसलिए मैं समझता हूँ कि 10 साल में हिंदुस्तान के एक एक परिवार की घर की स्थिति बद से बदहाल हो गई, घर में घर गृहस्थी को चलाने की जो दिक्कतों का जो सामना करना पड़ रहा है, ये आप कोई उद्योग चलाने वाला है उसके लिए भी समस्या है और कोई छोटा रोजगार चलाता है, कोई छोटी चाय की दुकान चलाता है, कोई छोटा पान की दुकान चलाता है, उसके लिए भी समस्या का एक बहुत बड़ा पहाड़ उनके सामने खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने उनको न्याय देने की बात की, महिला बहनों को न्याय, क्योंकि सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है आज की तारीख में तो महिला बहनें हैं, घर का चौका चूल्हा उनको चलाना पड़ता है, इनकम ज्यादा नहीं है लेकिन खर्चा ज्यादा है, कमाई कम खर्चा ज्यादा की स्थिति, घर घर में लड़ाई, और उसी को न्याय दिलाने की बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 5 गारंटी की बात की है। महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना, मतलब 8,333 रुपया महीना उनके अकाउंट में सीधा डालने की बात कही है। अच्छा, ये गारंटी कांग्रेस की गारंटी, मतलब हम कोई फॉल्स बात नहीं कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिला बहनों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, गृह लक्ष्मी गारंटी नारी न्याय के माध्यम से, योजना के माध्यम से महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है, तेलंगाना में हमारी सरकार है, वहां सीधा पैसा डालने का काम इन गारंटियों के माध्यम से किया जा रहा है। अब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, महिला बहनों को गारंटी दिया, किसानों को एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही, कानून मतलब कल हमारी सरकार रहे मत रहे लेकिन ये कानून अगर बन गया तो उन किसानों को लाभ मिलने वाला है, तात्कालिक लाभ नहीं, जीवन भर का लाभ देने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। उसी प्रकार से मनरेगा की जब शुरुआत कराई गई थी तब विपक्ष, जब कांग्रेस की सत्ता थी, यूपीए की सरकार थी, एनडीए के जनप्रतिनिधि या एनडीए के सांसद इसका विरोध करते थे, आज मनरेगा एक मील का पत्थर साबित हो गया, जो लोगों को काम नहीं मिलता था, लोग एक अपने घरों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते थे, उनको उनके घर के पास 100 दिन मिनिमम 100 दिन की काम की गारंटी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया था, मनरेगा का काम आज लोगों के घर को चला रहा है, 100 दिन के काम के साथ जो पहले उनका वेजेस तय किया गया था उसको बढ़ाकर 400 रुपए से ज्यादा देने का फैसला
कांग्रेस पार्टी ने लिया है। युवाओं को लेकर रोजगार की बात की है, पढ़ाई में जो उनकी असुविधा, पढ़ाई को लेकर, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एक नौजवान साथी जब पढ़कर उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो जो सफर करता है उस समय उसको कैसे मदद करें जब तक उसका रोजगार न लग जाए, नौकरी न लग जाए, उसको देकर उसमें सहायता करने का फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया है। मैं समझता हूं ऐतिहासिक गारंटी है, ऐतिहासिक फैसला कांग्रेस पार्टी का, 24 न्याय के साथ आज घोषणा पत्र भी जारी हो रहा है। मैं समझता हूं ऐतिहासिक रहेगा। इस देश में जिस प्रकार की स्थितियां इन 10 सालों में बनी है उसमें इस देश को संतुलन करने की, लोग खुशहालमय और सुखमय जीवन अपना व्यतीत करें, उसकी प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की है। सबसे बड़ा आकर्षण आपके घोषणा पत्र का महिलाओं को 1,00,000 रुपए देने, मतलब 8,833 रुपए देने की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर बोल रही है कि नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, अगर सरकार ही नहीं बनेगी तो घोषणा पूरा कैसे करेंगे, जनता को क्या बता रहे हैं आप लोग? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को भूल चुकी है कि कांग्रेस की गारंटी मतलब मजबूत इरादा पक्का वादा, आज राशन कार्ड में राशन मिल रहा है ये गारंटी किसकी थी? आज एम्स है, आज बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, IIM जैसे इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जितने सरकारी स्कूल है ये कांग्रेस की गारंटी थी। आज रेलवे स्टेशन है, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इन इंस्टीट्यूशन को, जिसमें लोगों को रोजगार मिलता था, जिसमें लोगों को काम मिलता था, रोजगार मूलक पढ़ाई करने का मौका मिलता था, उसको बंद करने का प्रयास किया, संविधान से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी की गारंटी से आज ये देश स्थापित है। मैं समझता हूं विश्व में अगर भारत को विकसित देश के रूप में देखा जा रहा है तो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, एक नींव का पत्थर जो रखा जिससे हजारों और लाखों की संख्या में, आप छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, भिलाई स्टील प्लांट की बात करें, बालको की बात करें, आप दंतेवाड़ा के प्लांट की बात करें, ये तमाम वो मील का पत्थर है जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी के साथ रखा था। आज लाखों और हजारों लोग इनसे रोजगार पा रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, तो कांग्रेस की गारंटी पर जनता को विश्वास है। और 10 सालों में तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लूटा है, उनके घर में डकैती डालने का काम किया है, कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कम है तो पेट्रोल डीजल का दाम सस्ता क्यों होना चाहिए? जिस प्रकार से कच्चा तेल का दाम विश्व बाजार में है उस प्रकार से पेट्रोल डीजल 50, 30 और 40 रुपए में मिलना चाहिए, 100 रुपये में पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लूटने का काम कर रही है। अगर आज आदमी परेशान नहीं है, आज आदमी दिक्कत में नहीं है तो उस गारंटी का लाभ आदमी क्यों लेना चाहता है? अच्छा, मोदी की गारंटी नहीं चलेगी? कांग्रेस की गारंटी और मोदी की गारंटी दोनों आमने सामने है। मोदी जी बोलते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी, आप लोग अपनी गारंटी कैसे जनता के बीच पहुंचाएंगे? देखिए मोदी जी की गारंटी पर 10 साल लोगों ने विश्वास किया। 10 साल पहले जब वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, देश की सत्ता में जब वो आना चाहते थे, तब उन लोगों ने बड़े बड़े वादे किए, 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आएगा, काला धन आने वाला है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाएगा, सपना दिखाया लोगों को, झूठ परोसते हैं, सपना दिखाते हैं, झूठे वादे करते हैं, विश्वासघात जनता से करते हैं। आज जनता, देश की जनता परेशान क्यों है? आज बढ़ती बेरोजगारी, लोगों के रोजगार खत्म हो गए, भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण, GST, नोटबंदी, ये तमाम ऐसी योजना है जो गरीब से गरीब आदमी को और गरीब बनाने का काम जिन्होंने कर दिया इस योजनाओं ने, और उस योजनाओं का विरोध है। हम भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा, उन योजनाओं का विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं जो जनता के हितों में नहीं है, जो जनता को गरीब से गरीब बना रही है, भाईचारे को खत्म कर रही है, आपसी समन्वय को खत्म कर रही है, इस देश को बांटने का प्रयास कर रही है। अराजकता की स्थिति, महिला बहनों के विषय में चर्चा की थी 10 साल पहले कि महिला सुरक्षित रहेगी, मणिपुर की घटना आपने देखी है, देश की हर प्रदेश की स्थिति अगर आप देख लेंगे, भारतीय जनता पार्टी का नेता मदमस्त है, वो अपने नारों के साथ मदमस्त है। कभी 400 पार की बात करते हैं, महाराष्ट्र वो साउथ में है नहीं, केरल में है नहीं, तमिलनाडु में है नहीं, आंध्रा में है नहीं, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, बिहार में स्थिति ठीक नहीं, वेस्ट बंगाल में है नहीं, 400 कहां से आएंगे? लोगों को झूठ बोलना, लोगों को झूठ परोस के, लोगों को झूठ का चश्मा पहनाकर जो सपना वो दिखाते हैं, वो मैं समझता हूं अब जनता, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के क्रियाकलापों को जान चुकी है, अब उसका फायदा उनको मिलने वाला नहीं। तो कांग्रेस की गारंटी पर जनता भरोसा करेगी और मोदी की गारंटी जो है वो विफल है, ये कहते हुए विकास उपाध्याय नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो न्याय पत्र है उसका जनता को लाभ मिलेगा, ये दावा भी है। कैमरामैन बलकित सिंह के साथ गौरव शर्मा, -247 रायपुर। अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, घोषणा पत्र जारी हो चुका है, हाथ बदलेगा हालात, कल इस तरह का पोस्टर आया था। हम हैं समय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक जी के साथ। मुकेश जी,
क्या हालात बदलने वाले हैं इस मैनिफेस्टो के माध्यम से? देखिए, जो देश के नौजवान हैं, युवा, महिला सशक्तिकरण, किसानों की कृषि उत्पादन लागत और उसमें राहत, और जो देश के बेरोजगार हैं उनको राहत, इस पर केंद्रित पांच न्याय के नाम से हमारा इस पर केंद्रित बजट है, जिसमें लगभग देश का सभी वर्ग कवर हो जाता है। तो एक न्याय पत्र के नाम से हमारा ये चुनाव का वायदा पत्र आया है इस बार, और हमें पूरा विश्वास है कि जो ये पांच वर्ग हैं, ये पूरे राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है और आधारशिला है, और इनके सशक्तिकरण होने से देश मजबूत होगा। अमूमन ये देखा जाता है कि सामने वाली सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष का पहले मैनिफेस्टो आता है, फिर उसके बाद दूसरा मैनिफेस्टो आता है। इतनी जल्दी क्या थी मैनिफेस्टो जारी करने की? नहीं करते तो आप कहते कि आपने टाइमली नहीं किया, आप कर दिया है तो आप कह रहे इतनी जल्दी क्या है। मुझे एक चीज बताओ कि पहले चरण के जो चुनाव होना है उनकी नामांकन की डेट खत्म हो गई है, इसका मतलब है चुनाव मुख्यधारा में आ गया। अब चुनाव जब मुख्यधारा में आ गया तो घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी होगा? चुनाव के बाद घोषणा पत्र जारी करेंगे क्या? बीजेपी ने तो सर नहीं, ये तो आप बीजेपी से पूछिए ना कि उनको समय पे घोषणा पत्र जारी करना चाहिए। उनको वो तो दम, अहंकार और मद में इतने डूबे हुए हैं कि वो तो कह रहे हैं कि 400 सीटें जीत चुके, अभी चुनाव हुआ नहीं, उनका घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ और वो 400 सीटें जीत गए। मतलब या तो ईवीएम मशीन सेट कर ली है कि बिना चुनाव लड़े जीत गए। आप खुद सुन रहे, पूरा देश सुन रहा है कि सर ये जो मैनिफेस्टो आया इससे कितनी उम्मीदें, क्या लग रहा है आपको? वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इस देश की कोटि कोटि जनता जो मतदान कर रही है वो हम कैसे बता सकते हैं? असंख्य लोगों के हृदय में थोड़ी हम बैठे हुए हैं कि बता। सर ये मैनिफेस्टो आया है, कुछ तो आपने जो वादे किए, लगता है आपको कि आकर्षित होंगे लोग, जनता आकर्षित होगी आपके इन वादों से तो आपको वोट करेगी? देखिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए और देश के हर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश की अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको ऊपर उठाने के लिए ये हमने घोषणा पत्र को ये न्याय पत्र के रूप में जारी किया है, जिससे देश के सभी वर्गों को फायदा होगा और देश को शक्ति मिलेगी। देश को शक्ति मिलेगी, सभी वर्गों को फायदा होगा, न्याय पत्र के नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया है कांग्रेस ने, और सभी प्रदेशों से अब अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है और आशान्वित कांग्रेस इस समय नजर आ रही है। कैमरामैन विपिन के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला।